नमस्कार प्रिय, आपका मुफ्त टेलिंग करते हमारे इस चैनल पर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्टनर एग्जाम अपडेट सेशन 21-24 का आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि आपका परीक्षा का तिथि कब तक आएंगे, परीक्षा कब से शुरू होगा और एडमिट कार्ड कब तक मिलेंगे। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि बहुत से छात्र छात्रों स्मैस करके पूछ रहे थे सर पार्टनर का एग्जाम डेट कब तक आएंगे और पार्टनर का एग्जाम कब से शुरू कर लिया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देने के सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, इससे आपको तिलका मांझी का पल पल अप टू डेट मिल पाए। तो पार्टनरी सेशन 21-24 का एग्जाम फॉर्म भरने का तिथि आज से करीबन 15 दिन पहले ही समाप्त कर लिया गया। अब सारे छात्र छात्रों का इंतजार है कि इनका एग्जाम डेट कब तक आएंगे और एडमिट कार्ड कब तक मिल जाएगा और परीक्षा कब से शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका इस मंथ में एग्ज़ाम नहीं होंगे, मई मंथ में आपका एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि मई मंथ में आपका परीक्षा का डेट ही आएंगे, क्योंकि इस मंथ टोटल आप 20 दिन बचा है। तो 20 दिन में संभावना ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी इतना जल्दी एग्ज़ाम डेट दे के प्लस कॉपी का मूल्यांकन यूनिवर्सिटी में करा कर आप सभी का क्वेश्चंस बना के एग्ज़ाम 20 दिन में ले लेना यूनिवर्सिटी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेशन 20-23 का मार्कशीट अभी तक छात्रों का आर्ट्स का नहीं मिला है, जो कि यूनिवर्सिटी को राजभवन की ओर से टारगेट दिया गया कि 20 मई तक यूनिवर्सिटी को टारगेट दिया कि पार्ट 3 आर्ट्स के छात्र छात्रों को यानी कि मार्कशीट तैयार करके कॉलेजों में भेजा जाए। तो आप सभी का जो एग्ज़ाम का डेट आने का संभावना है वो 20 मई तक एग्ज़ाम डेट आने का संभावित तिथि मेरे अनुसार है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अभी आप सभी पार्टी सेशन 21-24 के संबंधित कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम फॉर्म भरा के उसे समाप्त कर लिया गया है, अभी इनका कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया गया है। तो कॉपी मूल्यांकन आपका अब कुछ दिनों में किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 20 मई तक पार्ट 3 सेशन 20-23 का आर्ट्स का जो रिजल्ट दिया गया था उनका आर्ट्स के छात्र छात्रों को मार्कशीट नहीं मिला है, जो कि यूनिवर्सिटी को टारगेट है उन्होंने तैयार करके दिया जाएगा। तो 20 नहीं तो 25 तक आपका पार्ट 3 सेशन आपका 21-24 का एग् ज़ाम डेट आ जाएंगे, फिर वही आपका एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड समझ लीजिए आपका 5 से 6 दिन में एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे। तो आप समझिए कि आपका एडमिट कार्ड आपको 3 नहीं तो 4 तक कंप्लीट ले लिया जाएगा, मिल जाएगा आपको कॉलेज में ऑफलाइन के द्वारा। ऑफलाइन एडमिट कार्ड चूँकि यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं हो रहा है, ऑनलाइन आज से करें 7 महीने से सारा काम ठप है, तो आपको जो मिलेगा ऑफलाइन ही एडमिट कार्ड मिलेंगे। तो एडमिट कार्ड आपको भाई 2 नहीं तो 4 तक एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम का बात करते हैं, तो आपका अगले मंथ मतलब आपका 7 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट कर लिया जाएगा, 7 जून नहीं तो 10 जून के तक आपका एग्ज़ाम कोई भी हाल में स्टार्ट कर लिया जाएगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेने में लेट कर दिया गया है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो आप समझ गए होंगे, इतना ही जानकारी देने वाले थे क्योंकि बहुत से छात्र छात्रों कमेंट करके पूछ रहे थे। तो आपका 20 नहीं तो 25 तक एग्ज़ाम डेट आएंगे पार्ट 3 सेशन 21-24 का, वही आपको 3 या 4 जून तक एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। और वही एग्ज़ाम का बात करते हैं तो 7 नहीं तो 10 जून तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट कर लिया जाएगा। मेरे अनुसार चूँकि यूनिवर्सिटी में अभी आर्ट्स का पार्ट 3 का मार्कशीट ही तैयार हो रहा है, तो इसके अनुसार यानी इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप सभी का कार्य स्टार्ट करेंगे, कॉपी का मूल्यांकन करेंगे, कॉपी क्वेश्चन बनाएंगे और वही एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे। तो एग्ज़ाम आपका ऑलमोस्ट समझ लीजिए 7 जून नहीं तो 10 जून से पार्ट 3 का स्टार्ट होगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही बताने वाले थे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।